श्री जैन स्थानक सेक्टर 14 में श्री जैन मुनि दिवाकर सुधीर जी महाराज द्वारा चौमासा के अंतर्गत प्रवचन किए जा रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर धार्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज के प्रवचनों में जैन मुनि जी महाराज द्वारा श्री हनुमान जी के जीवन पर आधारित प्रवचन किए गए और लोगों को धर्म के प्रति जागरूक किया गया। यहाँ हम आपको बता दें कि जैन स्थानक सेक्टर 14 में 4 महीने के लिए दिवाकर मुनि सुधीर जी महाराज अपने मुखारविंद से प्रवचनों की अमृत वर्षा करेंगे। जैन समाज की ओर से यह एक बहुत बड़े पर्व के रूप में मनाया जाता है और समाज के लोग बड़ी संख्या में पहुंचकर जैन मुनि जी महाराज के प्रवचन सुनकर अपने जीवन में इन्हें अपनाते हैं। इसी श्रृंखला में करनाल में यह 4 महीने तक जैन मुनियों के सानिध्य में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जैन मुनियों द्वारा समाज को बेहतर मार्गदर्शन देने के लिए प्रवचन किए जा रहे हैं, जो लगभग आगामी 4 महीने तक चलेंगे। भीख मांगने वाले महिला की ये सोच अंदाजा लगा सकते हो आपकी क्या सोच लेके बैठी थी। मगर ख्याल करना, यहाँ पर सत्कर्म का ये बीज अगर इस तरह से बोकर जाओगे, जैसे उस किसान ने कहा था ना कि ये धरती कभी दगा नहीं देती, एक दाने के हजार देती है। एक सत्कर्म का बीज बोकर देखना वो कुदरत में कितना दयाल होकर तुम्हारे ऊपर नुछावर करती है खुशियों। और यही बात मैंने लिखी अपनी पंक्तियों में, जो बोया है वो तो एक दिन फलेगा, जो बोया है वो तो एक दिन फलेगा। ये भाग्य तुम्हारा कमल बन खिलेगा, कमाई ये नेकी की, कमाई ये नेकी की, कमाते चलो। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।